आज तक पानी कम नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज मैं पूरी टीम के साथ एक ऐसे कुएं की तरफ जा रहा हूँ जिसके अंदर कहा जाता है कि खजाना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है फटाफट कमेंट कर देना। लेकिन आप सभी को एक चीज बता दूं, आज जो होने वाला है वो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं किया और किसी ने ट्रैक भी नहीं किया। लेकिन हम सिर्फ आपके लिए इस जगह पर जा रहे, प्लीज आए। आप सभी से कहता हूं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। दीपू भी आपको क्या लगता है क्या होगा वहाँ पे? भाई अपन तो देखो ट्राई कर सकते हैं, अगर किस्मत रही तो कुछ भी मिल सकता है। कुछ भी मिल सकता है क्योंकि है ना, सुनने में तो बहुत कुछ आया कि यहाँ पर है ना जो डाकू वगैरह जो होते थे ना वो यहाँ पर सोना छुपाया करते थे। भैया उसी जगह चलते हैं अपन, चलते ऑडियंस से बात करते हैं। दोस्तों वो कुआ बिल्कुल हमारे पास ही लगभग 100 मीटर की दूरी में वो है सामने, उसके पास आपको ले चलते हैं और कहते हैं कि पहले के समय में जो डाकू वगैरह लुटेरे होते थे, तो आपको पता उस टाइम बैंक वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं होता था, ना कोई घर इतना सेफ होता था, मजबूत होता था। तो ऐसे कुएं वगैरह में या कोई पुरानी जगह होती थी या दफना देते थे, इस तरह से सोने को रखते थे। लेकिन इस कुएं के अंदर काफी भैया है ना, आसपास वाले लोगों को कुछ सुराग मिला है, इसके अंदर सोना है, तो काफी लोगों ने कोशिश भी की है। और यहाँ पे एक आदमी को दफनाया भी गया है। एक बार बोलूं, कोई टाइट यहाँ के जो गांव के लोग है ना वो कहती है कि इसके अंदर है ना जो होता है आपको पूर्वज होते हैं, बड़े बडेरा होते घर के अंदर, मतलब कि गांव के जो पंच वगैरह होते हैं, उन्होंने दावा कराया कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो जब लूटपाट करते थे दूसरे गांव से आते थे तो घर पे नहीं रखते, इस कुएं के अंदर सोना डालते थे। और काफी लोगों ने छोटे भाई मतलब एजेड ज्यादा एजुकेशन नहीं करे हुए बंदे नहीं होते, उन्होंने यहाँ पे कोशिश करी है, उसमें वो रिसर्च करते करते उन्होंने अंदर गया तो अभी तो वापस भी नहीं आया ये यहाँ पे इस कुएं के अंदर। ये गाँव वालों की औरतों ने बताया यहाँ की, बाकी सच्चाई क्या है आपन ट्राई करेगा, लेकिन आपने कोई भी रिस्क नहीं लेगा, रिस्क नहीं लेना पहले करो, कोई अंदर जाने की कोशिश नहीं करेगा, आपन सिर्फ बाहर से अगर कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, मिलता तो सरकार को आपन इन्फॉर्म करेंगे, उस लोगों में डोनेट कर देंगे मिलता है तो। बाकी यार रिसर्च करना अपना काम है, कैमरा इसलिए ऑन रखेंगे कुछ भी हरकत हो जाए तो कैमरा में रहे की क्या चीज मिली, क्यों लोबा बोले तुम वहाँ गए थे हमें क्या पता क्या निकाला क्या नहीं निकाला। नहीं लेकिन कैमरा ऑन है भाई। एक जना ना बीच में कुछ आया भी था बीच में अपने पास में, क्योंकि अपन ने अभी ना ये इस बारे में ना लोगों से पूछा भी था, तो उसने बोला था कि यहाँ पर ना एक जने की डेथ भी हुई थी, इसी चक्कर में गया था वो। लेकिन ने जो भी करो ने सेफ्टी करना, पुराना कुआ है, पुराना कुआ है, पुराना कुआ है, ध्यान से रखना बस जो भी करो, कोई तो भरोसा नहीं कब गिर जाए। लेकिन भैया ना इसके अंदर देखो पानी है अभी, और ये कहते हैं कि आज तक इसके अंदर पानी कम नहीं हुआ है, इसमें हमेशा पानी भरा हुआ है। दोस्तों ये कुआ है ना, इसमें आज तक पानी कम नहीं हुआ है, ये जितना पानी भरा हुआ है ना उतना ही भरा रहता है, लेकिन काफी लोगों ने सोने का मतलब देखने की कोशिश करी, कुछ है नहीं है तो अभी तक नहीं है। जैसे बोलते हैं गोताखोर बोलते हैं, शायद गोताखोर गोताखोर होते हैं ना, उन्होंने कोशिश करी है। फुल लपा लपा है तो इतना पानी राजस्थान में कहीं रहता भी नहीं कुएं में, इस कुएं में देखो आप पानी देखो वाटर लेवल कितना अप है। और ये राजस्थानी की जगह किसी को भी अभी तक विश्वास नहीं होता ना भाई, तो डीएम करो ओपन, आपको भाई लाइव लोकेशन बताए कहाँ की, जिसमें हिम्मत हो जिसमें गुर्दा हो वही कमेंट करना भाई, तो इस जगह को जानना चाहता है भाई। रस्सी लाओ भैया, भैया डालो उसके अंदर, गिरा मत देना भैया, रस्सी 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 बस इधर है, ये देखो ये मुंह खोल दो बस, पूरा उन्होंने लिखा जाना सेफ्टी जरूरी है। चलो जय श्री गणेश करो भैया, जय श्री गणेश, उड़ जा निकल जाए तो बहुत बड़ा मजा है बात है। देखो मिले नहीं मिले लेकिन ये बात बोलूं सेफली रहना, क्योंकि सुनसान कुआं आसपास कोई भी अपनी मदद करने नहीं आ सकता, क्योंकि गांव से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, पूरा जंगली इलाका है इधर, पहाड़ वगैरह है, अपनी आवाज भी नहीं जाएगी लोगों तक। उसको श्रापित भी तो बोला गया भैया, लोगों ने ऐसा बोला ना कि भैया तो श्रापित है, श्रापित इसलिए भैया क्योंकि काफी लोगों ने कोशिश की तो वह मर के, आपको पता है जो बेमौत मरते उसकी आत्मा भटकती रहती है। बिल्कुल पानी देखो आप कुएं के पास में देखा, कुआ पूरा दिखा अंदर, पानी लपालप भरा हुआ है इसके अंदर। ये डालो इसके अंदर छाबड़ी डालो, मैं डालू छाबड़ी ना,
देखो तो बजन रखो सही कह रहे हैं बंदा नीचे नहीं जाए भाई रखना पत्थर से जाएगा ही नहीं इससे भी अंदर डालो नहीं और वजन डालो यार भैया इससे कुछ नहीं होगा यार ये चलेगा चलेगा कुछ भी होता है मिट्टी भी आती है ना मिट्टी भी उस मिट्टी को देख के पता लगाना है कि कुछ है ही नहीं है तो आपको पता है कि हल्का हल्का सुराग मिलेगा दोस्तों कैमरा पूरा फोकस रखना जो चीज हम अंदर डाल रहे ना वो पता लगाने के लिए भेज रहे हैं ये मछली है इसमें खजाना होता है आपको पता है कि नाक देखता है उसकी हिफाजत करता है ओ भाई भाई बहुत सालों पुराना कुआ है ना यार ये पता नहीं गहरा कितना होगा ये या गहरा यार अपन में पता लेंगे गांव वाले बोलते हैं कि यार गहरा होगा और ज्यादा सेफ होगा तभी यहाँ पर खजाना डाला होगा इसी सोचो सोना तभी इसमें डाला होगा चुरा चुरा गया पुराने जमाने जो लोग होते थे वो मजबूत होते थे सीधा अंदर जाते थे और निकाल लेते थे बाप को भी यार काफी साल हो गया ना भैया भाई देखिए बुलबुल उठ रहे दोस्तों वो जा रही है अंदर जो छाबड़ी है ना वो बेच चुकी है भाई अभी तक जा ही वो अंदर जा रही कुएं की गहरा में पता नहीं दोस्तों क्या हो सकता क्या नहीं लगे एक चीज आप सभी से बोलता हूँ अगर कुछ मिलता है तो दुआ है भगवान से कुछ मिला नहीं मिला लेकिन कुछ भी हो हमारी कोशिश बनती है कुछ ना कुछ ट्राई करने के लिए आपके लिए कुछ नई चीज लाने के लिए नई चीज दिखाने के लिए इसलिए आधी रात को आपके लिए आया यार एक कुएं पे आधी रात को हम कुछ चीज डाल रहे सिर्फ आपको दिखा सके कि कुछ है ही नहीं है और कुछ भी होता है ना सब चीज गवर्नमेंट की हमारी कुछ भी नहीं भाई हम डोनेट कर देंगे या गवर्नमेंट को दे देंगे जो होगा आगे देखेगा लेकिन एक चीज बताऊं दोस्तों एक चीज बताऊं पूरा गांव वाले ये दावा करते हैं कि इसके अंदर जो पहले के जो चोर लुटेरे होते थे इसमें खजाना डालते थे जंगल के बीचों बीच में जंगल के बीचों बीच काटे वाटे भी लगाए हुए थे यहाँ पे वो काटे वाटे लोग अर्जुन भाई हाँ भैया भाई जाने आप छाबड़ी में पटकी ने हाँ भाई हवा जब अलग भी चारों पड़े हुए छाबड़ी पटकी जान तो भैया डर वाली बात कौन है एक बार सब एक जान रहो हर लो मती अल्लाह आपको पूरो कटने भी नाड़ दो कोई ने भी वो मैंने पहले कह रू बिल्कुल सावधान रहो क्योंकि जंगल का मैं यहाँ अरे और भी लुटेरा वगैरह भी ऐसे छोटी बात तो है क्योंकि यहाँ पर खजाने जैसे अपन को पता है ना इनको इन्फॉर्मेशन तो सबको पता होगा और ऐसा नहीं कि लोगों ने ट्राई नहीं करा होगा नहीं तो अपनी कोशिश करें कि अपने अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं ये भाई नहीं तो लग रहा है कोई जा रही बात जा भाइयों जा भाइयों जा भाइयों माय जा भाइयों और उंडी जा भाइयों जितनी जा रही थी जा भाइयों डील जो कितना फिट गया सिया ये रस्सी है क्या हां भैया रस्सी है क्या हां कितना फिट गया सिया सुनो रस्सी है क्या टूटी हुई सुनो ये देखो सुनो ये रस्सी कितनी फिट गई है 150 फिट 150 फिट पहले नीचे भेजो 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 जा भाइयो जा भाइयो जा भाइयो और उंडी जा भाइयो डील जो है ना क्या जा भाइयो खेच नहीं नहीं रुको रुको थोड़ी हिला इसको हाँ यार लाग रही होगी बहुत लाग रही होगा तो नहीं हिलाओ ना पिंडा जो बुलबुले पे आ रहे बुलबुले पिंडा यू बस बुलबुले 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 भाई बुलबुले बहुत सारा आ रहा है छापड़ी ने हेलो हेलो फेरो फेरो अर्जुन अर्जुन तुम पकड़े इधर तुम पकड़े इधर इस तरफ ले इसको अर्जुन को पकड़ा पिंदू फेरो ना पिंदू आई अरे अर्जुन को दे हाथ में इस तरफ अर्जुन तू लेके तू घुमा दे एक बार उस तरफ से जो भी चीज होगी आ जाएगी नीचे पिंदा को घुमा दो एक दो बारी हां मिट्टी आ रही मिट्टी आ रही नीचे आ गया ना पिंदा को दिक्कत नहीं अर्जुन भाई ध्यान से तो गाइस इस कुएं का तल आ चुका है और हमें कुछ लग रहा है भारी लग रही है भारी लग रही है बोझ लग रही है सुनो सुनो बुलबुल सुनो सुनो दीपू भैया दीपू भैया ओसानो ओसानो भैया ओसानो लो दीदी तो गाइस ऐसा लग रहा है कोई चीज अटकी है भाई तो गाइस कैमरा ऑन है और हमें कुछ लग रहा है कि कुछ ना कुछ तल के नीचे कुछ ना कुछ
आया है, लेकिन मिट्टी भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हमने चारों तरफ फेरा है नीचे। बाकी क्या हो सकता है, सब भाई इस जगह सनी भाई दोस्तों इसके तल कुछ लगा है ना, कुछ ना कुछ है, लेकिन सच्चाई क्या अभी तो पता नहीं, लेकिन ऊपर निकाल रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी हो रहा है यार। ज्यादा खुशी के हमारा नीचे गिर जाए। दीपू भैया कुछ भी हो सकता है, देखो अपन क्या यार, लोगों ने काफी लोगों ने कहा ऐसा भी नहीं है, चमक रहे देखो भाई, कुछ चमक रहा है मत बोला, जंगल का महीना कोई भी सके याद रखिए, बड़ा बड़ा है आराम आराम। ओके मूर्ति है, मूर्ति है, मूर्ति है, मूर्ति है, मूर्ति है, मूर्ति है, आवाज किसी को सुनने लें, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली नहीं है, यहाँ पे वैसे कॉलमेंट को देंगे कैमरा ऑन करा, अपने वीडियो बना के भाई को कोई आ गया मार दिया, फिर ये लेके चले गए अपने को, तो अरे तुम भाई थूक दे इसमें, थूक दे पहले, ये नेटराज का पूरा, नेटराज का है मरा को भाई, बोल दे पूरा, इन नेटराज भगवान वाली मूर्ति आती ना, हां भैया गीली हुई हुई है, बताऊं मैं नरम हो रहा है बिल्कुल, असली है हां असली है, असली है गोल भाई, असली है, कोई बात नहीं, इसकी अपन वो कराएंगे थोड़ी टेस्ट से पता लगेगा दोस्तों, पता नहीं पहली बार इस चैनल पे वीडियो में हंस के बना रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं यार हमने नहीं सोचा कि कुछ ऐसा होगा, अपने पत्थर रखा दे दो, पत्थर रखा, पत्थर रखा, बाकी गांव वालों ने बात से बोल लिया यार, भैया तीन ही चीजें हैं, तीन ही पैसा है, वो डालोगे वापस, हां लालच मत करो भाई, लालच मत करो भैया, नहीं अपन करा देखो सिंपल सी बात है, ये चीज दिखी है ना गांव वालों इन्फॉर्म करते हैं, कुछ लोगों ने कहा था नहीं, बहुत गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें, किसी को कर लेंगे बैठ के शांति, 24 घंटे बाद आराम से लेंगे ना, बैठ के बात कर लेंगे, पहले सोचेंगे, पहले ऐसे कर बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारी नीयत खराब हो रखी है, लेकिन बैठ के बात इसलिए करेंगे, और निकालना तो हमारी भी जान को जोखिम नहीं डाल जाएगा, एक बार ट्राई करेंगे, हाँ और करते हैं, और कर लो अभी तो पी है, मेरी बात सुनो, ज्यादा रुकना गलत है, जगह गलत है, अपन ही भी इसी जगह, दोस्तों दीपक भाई यार यहाँ पे कोई भी आ रहा है, अपन जो भी है ना दोस्तों, दोस्तों दोस्तों इसी अपने बीच में ये बात होनी चाहिए, एक मिनट बैठो भैया शांत रखो, हाँ बैठो, ऐसे बंद कर, एक लाइट जगह बिल्कुल बटन सच्चा बताऊँ क्या, एक तो इस बार नहीं डरने वाली, ये हमें गोल्ड मिला और गांव वालों को पता है कि हम यहाँ रिसर्च करने आएंगे 5-6 दिन के अंदर, क्यों हम फिर गांव वालों से इन्फॉर्मेशन ली थी ना, इसलिए गांव वालों को पता है, हमें ये नहीं पता कि लोगों को एक ही क्या मिलेगा, अगर कुछ हम पे अटैक कर दिया कुछ भी हो सकता है, हमला हो सकता है भैया, सोना ऐसी चीज होती है, अच्छे अच्छे का रंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है, और भाई अपने को थोड़ी पता है, अपने को कोई यहाँ पे देख रहा है या नहीं देख रहा, अपने को पता नहीं है, पारिवारिक गांव वालों को पता है कि एक दो दिन के अंदर जाने वाले हो, लेकिन उनको पता चल गया कि अपने यहाँ पे अपने को सोना मिल गया यहाँ पे, तो भाई अपने बटे को बताओ पहाड़ी लोग, और इसलिए आप लेट आए रात के 2-2.5 बजे, इसके अंदर नहीं चीज डाली दोस्तों, हाँ बहुत पुराना है, तो अर्जुन भाई एक चीज बताऊँ, थोड़ी मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, ये सारा है सारा ये ओरिजिनल है और ये सारा चोरी का माल है, ये बात सही है, क्योंकि ना ये भी गेट की गेट पे लगाया राजा महाराजा के, और ये भी गेटों पे लगती थी, ये होती थी, और ये भी गेट का ही है दोस्तों, गेट का माल मिला है, मतलब कि जो राजा महाराजों के सोने के जो गेट होते थे ना उसका सामान मिला, और हमें ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर और भी होगा, लेकिन अभी हम रिसर्च ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों खुदा ना खासा मतलब गलत हरकत भी होती है, गांव वालों को पता है कि हम इधर है, हमें अभी तक ये गारंटी नहीं कह सकते कि 100% प्योर है, हम आगे लेप में देंगे, और कुछ भी सूचना मिलती है हम कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा आपको बताएंगे,
तो बस यहाँ से अलविदा लेते हैं, यहाँ से तुरंत निकले क्योंकि दोस्तों हम रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि दोस्तों कि हमें चीज़ मिली है ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, गांव वालों को इन्फॉर्म होगी तो उसमें कुछ लोग आपको बताए पूरा गांव अच्छा है नहीं हमें नहीं पता, लेकिन कुछ लोग होंगे बुरा, आपको पता अच्छा है या बुराई भी है, कुछ लोग ने हमें अटैक कर दिया ना भाई, हम गिनती के 5-7 जने हैं भाई, जान जा सकती है लालच के चक्कर में, निकलेंगे कैमरे मैन है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे, बाकी अभी तो पता नहीं प्योर है क्या मतलब गेट का है उसको राजा मारा था, उसको गेट थे ना पहले पूरे गाँव वाले दावा करते हमारे यहाँ चोरों को लुटे इसमें डालते सुने अपने डाल दी जैकेट में ऐसे पकड़ जाएंगे, नहीं यहाँ तो कोई दिक्कत होना आप कह दे वीडियो बनाई नहीं यार भैया यार ओपन यार गवर्नमेंट को देंगे सीधे उसको, कौन से विभाग वाले होते भी नाम भूल गया मैं, पास में जांच होती है, अरे वो जाता है वो एफएसएल जांच होती है, एफएसएल नाम भूल गया मैं, यहाँ क्या बोलता है एफएसएल जांच होगी दोस्तों, रुके देंगे अगर प्योर निकलता है तो हम यहाँ पर और प्रयास करेंगे और कुछ ना कुछ चीजें निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि इस गोल्ड का फायदा जो जरूरतमंद लोग है वो फायदा उठाए, यानी कि जिस जो पैलेस है जो बीमारी से कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम हो उस तक ये चीज पहुंचे, बाकी यहाँ से अलविदा लेते हैं भैया, आप में से भी अगर ऐसा कोई बंदे हाँ। कमेंट कर देना भाई, कमेंट कर देना जिसको जरूरत हो सच में, हम रिसर्च करेंगे, ऐसा नहीं है आपने कमेंट कर दिया, हम रिसर्च करेंगे दोस्तों, लेकिन ज्यादा बातें नहीं करते।